ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर दो दिनों से जारी ईडी की छापेमारी आज खत्म हो गई, लेकिन ईडी ने वीरेंद्र राम को राजधानी रांची के अशोक नगर उनके किराए के मकान से हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर उन्हें ईडी के हिनू स्थित कार्यालय ले गए हैं, जहां पर उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि अब तक हुई छापेमारी में उनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है। आपको बता दूं कि इनके जो 24 ठिकाने थे, उन 24 ठिकानों से ईडी को लगभग 1.5 करोड़ के आभूषण, कई लग्जरी गाड़ियां जिसमें BMW, स्कोडा, फॉर्च्यूनर जैसी जो कंपनी की गाड़ियां हैं वो शामिल हैं, 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति, जो मकान के लहजे से बात किया जाए वो है, जमीन के कागजात मिले हैं, और भी मकान जो अभी पिछले महीने उन्होंने अपने पिताजी के नाम से दिल्ली में मकान खरीदा था वो हाथ लगे हैं ईडी के, और उनके रिश्तेदारों के नाम से कई घर खरीदे हुए हैं, जमीन खरीदे हुए हैं, वो ईडी को हाथ लगे हैं। कई दस्तावेज हैं जो कि ईडी के हाथ में लगे हैं, और एक पेनड्राइव हाथ में लगा है जिसमें कई लोगों का जिक्र है जो आला अधिकारी हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो नाम कौन है। लेकिन ईडी ने अब उन्हें हिरासत में ले लिया है। अब हिरासत में लेने के बाद कई नाम सामने आ सकते हैं और कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफ्रॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफ्रन, क्राउन स्पा एंड सलोन, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।